हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे C++ प्रोग्राम का। अगर हमने एक छोटा सा भी C++ का प्रोग्राम बनाना हो या कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो होंगे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला पार्ट होगा वो होगा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जब हमने सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था तो भी ये सेक्शन पढ़ा हुआ था। यहाँ पर भी देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन वो सेक्शन है जहाँ पर जब आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके बारे में जो भी डिटेल आपको रखनी है, जैसे ऑथर नेम, प्रोग्राम का टाइटल या प्रोग्राम में यूज़ किए गए जो भी फंक्शन है उनके बारे में कोई डिटेल लिखनी है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स यहाँ पर कमेंट्स लाइन होते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ कमेंट्स लाइन होता है जो कि प्रोग्राम के बारे में डिटेल देता है। तो कमेंट्स लाइन को यहाँ पर दो प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। पहला सिंगल और दूसरा मल्टीपल। आपके कमेंट लाइन या तो सिंगल हो सकते हैं या तो मल्टीपल हो सकते हैं। मान लीजिए किसी एक सिंगल लाइन को आपको कमेंट्स के रूप में यूज़ करना है तो आप इस सिंबल का यूज़ करेंगे। इस सिंबल को लिखने के बाद जो भी आप लाइन लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, वो एज ए कमेंट ट्रीट होगा। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं या फिर रन कराते हैं तो ये उसमें कंपाइल नहीं किया जाता, मतलब ये उससे अलग होता है। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय या कंपाइल करते समय इसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये कमेंट्स लाइन के रूप में होते हैं, प्रोग्राम के पार्ट नहीं होते। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सिंगल के लिए मैंने ये सिंबल का यूज़ किया है। अगर इसके बाद आपको एक लाइन लिखते हैं तो वो एक लाइन कमेंट लाइन के रूप में होगा। लेकिन मान लीजिए आपको एक डिटेल लिखना है प्रोग्राम के बारे में जो कि मल्टीपल लाइन्स में है तो आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ओपन करेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं आप, और जहाँ पर आपको क्लोज करना होगा आप इसी सिंबल के साथ उसे क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस सिंबल से ये स्टार्ट होगा और इस सिंबल से ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सिंगल लाइन के लिए, सिंगल कमेंट्स लाइन के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे और इसी तरीके से मल्टीपल लाइंस के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। ये ओपन होगा और लाइन हम लिखते जाएंगे और जहाँ क्लोज करना होगा फिर वापस इस सिंबल का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यूज़ हम प्रोग्राम के बारे में डिटेल लिखने के लिए, कमेंट्स लिखने के लिए कर सकते हैं, जहाँ पर वो सिंगल भी हो सकता है या फिर मल्टीपल। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, हमारा दूसरा सेक्शन है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। सेक्शन इसको भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला लिंक सेक्शन और दूसरा डेफिनेशन सेक्शन। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन में हम उन लाइंस का यूज़ करते हैं जिनको प्री प्रोसेसर के साथ लिखा जाता है, मतलब हम हैश सिंबल का यूज़ करते हैं इन लाइंस को लिखने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है लिंक सेक्शन जबकि दूसरा है डेफिनेशन सेक्शन। लिंक सेक्शन का मतलब ये है कि हमारे प्रोग्राम में यूज़ होने वाले जो भी फंक्शंस हैं उनके लिए हेडर फाइल्स होती है, हमारे पास लाइब्रेरी होती है जहाँ पर वो प्रीडिफाइन फंक्शन रखे होते हैं। लिंक सेक्शन में हम उन हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम से लिंक कराते हैं ताकि उनके अंदर डिफाइन किए गए प्रीडिफाइन फंक्शन को प्रोग्राम ने यूज़ किया जा सके। जैसे सी के लिए हम यहाँ पर लिखते थे stdio इनपुट आउटपुट के लिए और conio.h इन हेडर फाइल को यूज़ करते हैं, और C++ में अगर हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे तो हम लिखेंगे हैज इंक्लूड, ये तो होगा ही। यहाँ पर जो हेडर फाइल है वो है iostream.h।
तो जिस तरीके से वहाँ इनपुट आउटपुट के लिए हम stdio.h का यूज करते थे, यहाँ पर हम iostream.h का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में आपको मैं डिटेल बाद की वीडियो में बताऊंगा कि iostream को क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से यहाँ स्ट्रीम के रूप में इनपुट आउटपुट हम करते हैं, कौन कौन से फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप हैज़ इंक्लूड iostream.h, इसी तरीके से और भी हेडर फाइल को हम लिंक करा सकते हैं। तो लिंक सेक्शन में हम उन हेडर फाइल को, उन लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं, लिंक कराते हैं प्रोग्राम से, जिनके हमको प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि इसमें डिफाइंड है, जिसको हमको प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो यहाँ पर उन लाइंस को लिखा जाता है। दूसरा जो इसमें पार्ट है वो है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन, इस पार्ट में हम प्रोग्राम में यूज होने वाले सिंबलिक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, जैसे हैज डिफाइन काउंट 10। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे काउंट एक सिंबलिक कांस्टेंट है जो कि डिफाइन किया गया, जिसकी वैल्यू है 10। अब जहाँ भी प्रोग्राम में काउंट यूज़ किया जाएगा, उसकी वो 10 जो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी हुई, उस अपनी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से डेफिनेशन सेक्शन में हम सिंबलिक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, जिनका यूज़ हम बाद के प्रोग्राम में या अपने प्रोग्राम में करने वाले हैं। तो ये सेक्शन है डेफिनेशन सेक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का यूज़ करके लिखी जाने वाली जो लाइंस है प्री प्रोसेसर के साथ, उन लाइंस का यूज़ करते हैं, या तो वो लिंक सेक्शन के लिए होते हैं या तो फिर डेफिनेशन सेक्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे सेक्शन के लिए। तीसरा है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन का मतलब यह है कि यदि हमें प्रोग्राम ने वेरिएबल्स को, फंक्शन को, स्ट्रक्चर को ग्लोबली यूज़ करना है, तो हम इस सेक्शन में उनको डिफाइन करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल या फंक्शन, किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल या फंक्शन डिफाइन करते हैं, बनाते हैं, तो वे लोकल होते हैं और केवल उस फंक्शन के लिए ही यूज़ होते हैं। जबकि ग्लोबल का मतलब ये होता है, अगर इस सेक्शन में हम कोई वेरिएबल या फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो पूरे प्रोग्राम में सभी मेन फंक्शन या सभी फंक्शन द्वारा यूज किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम या तो वेरिएबल या तो फंक्शन या तो स्ट्रक्चर या तो क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लास यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट है C++ में, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। आगे की वीडियो में हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे कि क्लास किस तरीके से डिफाइन होता है और कैसे उसके ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्लास भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगला सेक्शन क्लास एंड मेथड डेफिनेशन। मेथड डेफिनेशन सेक्शन, यहाँ पर क्लास एंड मेथड डेफिनेशन सेक्शन, यहाँ पर आप इस सेक्शन में आप क्लास बना सकते हैं, मतलब क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, और उसके अंदर जो भी आप मेथड बनाएंगे उससे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करके जब हम प्रोग्राम बनाएंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के लिए, क्लास के लिए, तो यहाँ पर हम क्लास को बना सकते हैं। अगर मान लीजिए हम सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें क्लास का यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर जो यूज़र डिफाइंड मेथड्स होते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं या फिर उन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लास एंड मेथड डेफिनेशन सेक्शन का यूज़ तब करेंगे हम जब हम क्लास के लिए कोई प्रोग्राम बनाने वाले होंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्लास बनाया हुआ है जिसके अंदर हमको मेथड रखने हैं, तो इस सेक्शन में ही आप यहाँ पर क्लास बनाएंगे और साथ में उसके मेथड यहाँ पर डिफाइन करेंगे। असल में ये जो सेक्शन है वो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन का ही सब पार्ट है। तो आप यहाँ पर जब क्लास ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम बनाएंगे, तो आप यहाँ पर क्लास बनाएंगे और साथ में उसके जो मेथड्स होंगे वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन सेक्शन, तो मेन को भी हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला है
लोकल डिक्लेरेशन, सेक्शन, और उसके बाद है प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। यहाँ पर मेन फंक्शन में आप देख पाएंगे, हम मेन फंक्शन को भी दो पार्ट में पढ़ रहे हैं। पहला है लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन, जबकि दूसरा है प्रोग्राम स्टेटमेंट। कभी कभी प्रोग्राम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूटेबल पार्ट भी लिखा जाता है और इसको लोकल डिक्लेरेशन पार्ट भी लिखा जाता है। तो मेन फंक्शन के अंदर जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम पहले सी के स्ट्रक्चर में भी देख चुके हैं, तो इसके दो पार्ट होते हैं। पहला, जहाँ पर लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन लिखा हुआ है, वहाँ पर आप वेरिएबल बना सकते हैं, या आप स्ट्रक्चर में आपने बनाया हुआ तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल बना सकते हैं। अगर आपने क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्राम बनाया हुआ है तो इन क्लास के आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बनाए जाने वाले वेरिएबल्स या फिर फंक्शन, वो प्रोग्राम के लिए या इस फंक्शन के लिए लोकल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन लिखा गया है। तो यहाँ पर आप वेरिएबल या क्लास के ऑब्जेक्ट, या आपने स्ट्रक्चर बनाया है तो उसके वेरिएबल्स, ये सब यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद है प्रोग्राम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर वो लाइंस होती है जो कि एग्जीक्यूट होती है, तो इसीलिए इसको एग्जीक्यूटेबल पार्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका एक्चुअल प्रोग्राम होता है, कोड होता है, जहाँ पर लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन में बनाए गए वेरिएबल्स या वहाँ पर बनाए गए फंक्शन यूज़ किए जाते हैं, या फिर वहाँ पर बनाए गए क्लास के ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके से मेन फंक्शन में ये दो पार्ट होते हैं। उसके बाद में एक पार्ट और लिख रहा हूँ यहाँ पर, यह है मेथड डेफिनेशन सेक्शन, मेथड डेफिनेशन सेक्शन। यहाँ पर जो लास्ट पार्ट है मेथड डेफिनेशन सेक्शन, इसके बारे में आपको बता दूं, क्योंकि इसको हम पहले भी लिख चुके हैं फोर्थ में, क्लास एंड मेथड डेफिनेशन सेक्शन। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर मेथड बनाते हैं, तो आप वहाँ पे क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं और उसके मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेथड डेफिनेशन सेक्शन मैंने लास्ट में लिखा है, ये ऑप्शनल है। मतलब मान लीजिए आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि C++ में आप प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम भी बना सकते हैं बिना क्लास ऑब्जेक्ट का यूज़ किए हुए, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भी बना सकते हैं क्लास ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। तो मान लीजिए आप एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें फंक्शन आपने बनाया हुआ है, यहाँ पर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में फंक्शन आपने डिक्लेयर किया है, तो बाद में आप चाहें तो यहाँ मेथड डेफिनेशन सेक्शन में, यानी मेन फंक्शन के बाद यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि पहले सी में भी किया जाता था। लेकिन जनरली इस सेक्शन का यूज पहले जब हम सी का प्रोग्राम बनाते थे तो वहाँ पर किया जाता था, C++ में ये ऑप्शनल है, क्योंकि C++ में क्लास एंड मेथड डेफिनेशन सेक्शन आपको यहाँ पर बताया गया है, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप छोटा प्रोग्राम बनाते हैं केवल फंक्शन के लिए, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हम अगर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम बनाते हैं तो अपने क्लास को भी यहीं डिफाइन करते हैं, और साथ में उसके मेथड्स को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं तो यहाँ पर जो मेथड डेफिनेशन सेक्शन है, ये ऑप्शनल है, इसे आप छोटे प्रोग्राम में यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के इस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि C++ में कौन कौन से पार्ट्स उसके स्ट्रक्चर में होते हैं, जिनका यूज़ हम प्रोग्राम बनाते समय कर सकते हैं। आगे के वीडियो में हम C++ के बारे में और भी जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट egtrustforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।